सरावस्ती, जो ये स्थान न केवल भारत में बल्कि दुनिया में इस स्थान की पहचान है, भगवान बुद्ध और यहाँ का पुराना इतिहास से परिचित दुनिया है। मुझे खुशी है इस बात की कि ऐसे स्थान पर प्रतिष्ठित शिविर हुआ है और सभी कार्यकर्ता समाजवादी साथी संकल्प लेकर के गए हैं कि आने वाले समय में समाजवादी सरकार बनाएंगे। इस क्षेत्र को समाजवादी सरकार में बहुत विकास की योजनाओं से जोड़ा गया था। जब कभी समाजवादी लोग यहाँ पर आए होंगे, सरकार में कुछ न कुछ इस जिले को दिया है। सबसे खराब सड़क अगर कोई थी तो लखनऊ से जोड़ने वाली नानपारा वाली सड़क थी। और सड़कों की हालात कैसी थी, आप में से कुछ साथी बलरामपुर के भी होंगे तो हम तो खुद उस सड़क पर चले हैं, गोंडा और बलरामपुर की। मुझे याद है कि किसी पत्रकार साथी ने अखबार में एक तस्वीर छाप दी थी एक बाज़ार की, कि वहाँ पर कुछ लोगों ने धान पैदा कर रहे हैं। तो मैंने उसी दिन कहा और अधिकारियों से कि ऐसी सड़क बना दो कि जो लोग धान उसमें बोए हैं जब तक जीवित रहें तब तक सड़क खराब ना हो। और शायद उसी का परिणाम है कि गोंडा बलरामपुर सीमेंट कंक्रीट की सड़क बनी है। फोर लेन बनी हो इस ज़िले में, या नानपारा वाली डबल लेन पेव शोल्डर जो कांग्रेस ज़माने में सेंट्रल योजना और स्टेट की गवर्नमेंट के फंडिंग से थी, तो विकास के नाम पर समाजवादियों ने बहुत काम किया है। लैपटॉप बांटे हैं, वो आज भी चल रहे हैं। समाजवादी एम्बुलेंस ये मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, नई एम्बुलेंस खरीदना तो दूर, ये मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। और कोविड के समय पर, और इधर जो लॉकडाउन रहा उसमें सबसे ज़्यादा कारगर, सबसे ज़्यादा मदद करने का काम, सबसे ज़्यादा गरीब जनता के बीच में पहुँचने का काम ज़रूरत के समय पर एम्बुलेंस ने किया। बहुत से परिवारों को इससे मदद पहुँची है। पुलिस की 100 नंबर जो अब 112 हो गई है, ये भी समाजवादी सरकार की देन है। इसके मेंटेनेंस के लिए या नई गाड़ी खरीदने के लिए कोई सरकार ने इंतजाम नहीं किया, वही पुरानी गाड़ियाँ और केवल नाम बदल देना। तो समाजवादी पार्टी लगातार किसानों के लिए काम करती रहेगी। और ये इलाका तो वो धान का है, धान मिले भी हैं, पुरानी भी रही हैं, गन्ने का भी क्षेत्र है और भरमार है इन चीज़ों की, चीनी मिलों की। मुख्यमंत्री जी जहाँ जाते हैं कहते हैं 1 लाख से ऊपर हम करोड़ पैसा दे चुके हैं किसानों को। हर भाषण में कहते हैं 1 लाख से ज़्यादा दे चुके हैं, कई प्रदेशों के बजट से ज़्यादा दे चुके हैं। लेकिन ये बताना भारतीय जनता पार्टी भूल जाती है, उनके मुख्यमंत्री भूल जाते हैं कि अभी भी किसानों का बकाया पैसा है। और इस महंगाई में गन्ने की कीमत बढ़ जानी चाहिए थी, नहीं बढ़ी है। धान के लिए कहा कि MSP है, MSP से खरीदा जाएगा, केंद्र बनाए गए, लेकिन कहीं भी आसपास किसानों की खरीद नहीं हुई है। 900-1100 में सब पूरा धान बिक गया। हम बधाई देना चाहते हैं उन किसानों को जो दिल्ली में धरना आंदोलन कर रहे हैं MSP को लेकर के। समाजवादी पार्टी ने पूरा समर्थन उनको किया, जगह जगह समाजवादी पार्टी ने कार्यक्रम किए। सबसे ज़्यादा मुकदमा उत्पीड़न अन्याय किसी के साथ हुआ तो समाजवादियों के साथ हुआ। और सोचिए भारतीय जनता पार्टी का तर्क क्या है कि समाजवादी हैं लेकिन ये किसान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जानना चाहिए जितने भी समाजवादी लोग हैं सबके खेत हैं, सब धान पैदा करते हैं या खेती करते हैं, ये किसान भी हैं समाजवादी भी हैं। और जो आय दोगुनी की बात थी, हमें बताएं किस फसल की आय दोगुनी करने जा रहे हैं। इस सरकार में भ्रष्टाचार बढ़ा है, जैसे जैसे सरकार करीब आएगी झूठ भी बढ़ेगा, भ्रष्टाचार भी बढ़ेगा। और अगर किसी ने सही तस्वीर दिखा दी सरकार को तो उसके ऊपर मुकदमा हो जाएगा। हमारे कई पत्रकार साथियों ने कहा कि ये दाल नहीं, ये पीला पानी है हल्दी का, उन्हें मुकदमा का सामना करना पड़ा। कई हमारे पत्रकार साथी जिन्होंने दूध की सही तस्वीर सामने ला दी उन पर मुकदमा हो गया। हम जानते हैं कितनी तकलीफ परेशानी में भी आप भी काम कर रहे हो, सच दिखाना चाहते हो, सच जानते हैं,
बता रहे हैं आप, लेकिन आप पे भी प्रेशर है सरकार का। तो ऐसी सरकार पहली बार देखने को मिली है जो अन्याय लगातार कर रही है। और जैसे जैसे सरकार आएगी, समय खत्म होगा इनका, अन्याय बढ़ेगा, झूठ बढ़ेगा, बेईमानी बढ़ेगी, भ्रष्टाचार बढ़ेगा। और कभी कोई आरोप लगाता था उनकी सरकार में इतने मुख्यमंत्री हैं, ये सरकार बताए इनके पास कितने मुख्यमंत्री हैं। और जिस तरह की घटनाएं सुनने को मिल रही हैं कानून व्यवस्था को लेकर के, कल ही हम लोग लौटे हैं, मान ली बारामकी होकर के आए, एक बेटी के साथ क्या घटना हो गई, बेटियों के साथ घटना हो रही, महिलाओं के साथ घटना हो रही, और बदायूं जैसा दुख भरा कांड, कितनी बड़ी कितनी बड़ी घटना हुई। और उसकी बेटी ने जो दिखाया गद्दा कि देखो मेरी माँ का इतना खून लगा इसके अंदर, सोचो कौन सरकार में है, एक योगी सरकार में क्या कार्रवाई की। और लगातार महिलाओं के साथ हो रही घटनाएं, आखिर सरकार कर क्या रही है, पुलिस को किस हाल पे छोड़ दिया, पुलिस के ऊपर अन्याय कर रही है, कई महिलाएं शिकायत कर रही हैं। ये पहली सरकार है जहां पर पुलिस महिला कर्मचारी भी आरोप लगा रही है पुलिस पर। कस्टोडियल डेथ सबसे ज्यादा, बहराइच में भी घटनाएं आई हैं कस्टोडियल डेथ की, कस्टोडियल डेथ हुई है सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में। ह्यूमन राइट कमीशन ने सबसे ज्यादा नोटिसेस दिए उत्तर प्रदेश को और मुआवजा देने के लिए कहा है। फेक इनकाउंटर्स हुए हैं इस सरकार में, क्या है सरकार के पास जवाब। इसलिए ये सरकार जाने वाली है, गरीब किसान, माताएं बहनें, नौजवान, व्यापारी सब तैयार है सरकार को हटाने के लिए। आने वाले समय में सरकार हटाने के लिए शिविर किया था, हमारा कार्यकर्ता गांव गांव तैयारी करेगा, गांव गांव भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करेगा। सर, तांडो फिल्म को लेकर के तांडो मचा हुआ है देश में, क्या कहना है। भारतीय जनता पार्टी कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ती जिससे ध्यान ना हटा दिया जाए। ये तांडव पे भारतीय जनता पार्टी के लोग इसलिए तांडव कर रहे हैं, सरकार इसलिए तांडव कर रही है क्योंकि वो किसान के मुद्दे को जिंदा नहीं रखना चाहती। किसान वो आंदोलन कर रहे हैं, बताइए उन्हें आतंकवादी बोले, एनआईए से जांच करा रहे हैं, क्या है। और फिर तांडव पे ही क्यों, हम और आप सबके पास वो प्लेटफॉर्म्स हैं, उन प्लेटफॉर्म पे देखिए, हमने आपने मिर्जापुर देखा क्या, मिर्जापुर में कितनी शिष्टाचार वाली भाषा थी, कितने शिष्टाचार वाले शब्द आए थे। वो लगता कोई ऐसा उत्तर प्रदेश का रहा होगा जहां से उस शिष्टाचार की भाषा निकली है। और भी हैं सीरियल्स, न जाने कितने होंगे ऐसे। तो ये तांडव पर इसीलिए कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिससे किसानों का मुद्दा हट जाए, बेरोजगारी का मुद्दा हट जाए, उन पर सवाल नहीं हो। उन प्लेटफॉर्म्स पर न जाने कैसे कैसे चल रहे हैं, ऐसे ऐसे कार्यक्रम हैं जिनके बारे में हम आप सोच नहीं सकते। मिर्जापुर वेब सीरीज को लेकर के काफी सवाल मचा हुआ है, मिर्जापुर के लोग बहुत आक्रोशित हैं, लेकिन अभी तक आपका कोई दृढ़ बयान नहीं आया है उसको लेकर के, क्या होना चाहिए। देखिए मिर्जापुर में एक्टिंग तो अच्छी थी, भाषा थोड़ी खराब जरूर रही होगी, हम तो देख नहीं पाए, समय नहीं मिला, पूरा नहीं देख पाए। लेकिन एक पंचायत का पंचायत है एक प्रोग्राम सीरियल, तो वो तो मैंने भी देखा। और ऐसा प्रधान होना तो बड़ी खुशनसीबी होती है, ऐसा ही प्रधान हो। सर, आजम खान आपके पार्टी के कद्दावर लीडर थे, आज उन पे बहुत से मुकदमे लग रहे हैं, विपक्ष ये कई लोग इल्जाम लगा रहे हैं कि आजम खान पर समाजवादी कोई तवज्जो नहीं दे रही, उनकी जो वाइफ छूटी वो अपने दम पे छूटी, समाजवादियों ने कोई नहीं, तो क्या मतलब आजम खान को दूध की मक्खी की तरह किनारे कर दिया जाएगा। कुछ बातें हैं जिनको कोई नहीं कह सकता। समाजवादी पार्टी, समाजवादी नेता आदरणीय आजम खान साहब के साथ पूरी खड़ी है, पूरी ईमानदारी से उनके परिवार की मदद कर रही है। पहले दिन से विधानसभा हो, विधान परिषद हो, लोकसभा हो, लोकसभा में स्पीकर से मिलने मैं और आदरणीय आजम खान साहब खुद गए थे। और जो डीएम, एसपी के बारे में समाजवादी पार्टी ने कुछ सवाल उठाए थे, जो आईपीएस थे वहाँ पर, उन्हीं आईपीएस ने समाजवादी पार्टी के एमएलसी पर मुकदमा दर्ज कर दिया दिल्ली हाई कोर्ट में। पहले दिन से हम कह रहे हैं
कि जितने मुकदमे मोहम्मद आजम खान साहब के और उनके परिवार पर लगे हैं सब झूठे मुकदमे हैं, सब फर्जी हैं, और केवल इसलिए कि उन्होंने अच्छा काम कर दिया यूनिवर्सिटी का। मौलाना जौहर यूनिवर्सिटी बनाने और वहाँ पर विकास कराने की वजह से भारतीय जनता पार्टी ने साजिश कर करे षड्यंत्र कर करके और अधिकारियों के माध्यम से मुकदमे उन पर दर्ज कराए। समाजवादी पार्टी उनके परिवार की पूरी मदद करेगी और लगातार मदद करती रही है, करेगी। लड़ाई जितनी लड़नी होगी कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, और हमें उम्मीद है जिस तरीके से उनकी पत्नी विधायक वो आई हैं वापस, हमें उम्मीद है आने वाले समय में उनका पूरा परिवार छूट जाएगा, मुकदमे भी खत्म हो जाएंगे। समाजवादी पार्टी लड़ेगी और मौलाना जौहर के नाम पर जो यूनिवर्सिटी बनी है वो बहुत ही पुराने सुनन सेनानी से लेकर के उनका इतिहास उठा करके देखें, जो नाम बदलने वाले लोग हैं, जो नाम बदलना चाहते हैं वो नाम ही बदल सकते हैं, काम नहीं कर सकते हैं। मोहम्मद आजम खान साहब ने काम करके दिखाया है, वो इस पीढ़ी के लिए नहीं अगली पीढ़ी के लिए समाजवादी पार्टी नाम नहीं बदलने देगी। और जितना नुकसान उस यूनिवर्सिटी का किया है, समाजवादी सरकार बनेगी उससे अच्छी यूनिवर्सिटी उसको बनाने का काम करेंगे। समाजवादी पार्टी बहन ममता बनर्जी जी जो मुख्यमंत्री हैं उनकी मदद करेगी, और हम आपसे भी अपील करेंगे इन नफरत वालों को हराइए। इन्होंने नफरत फैला करके उत्तर प्रदेश का चुनाव जीता है। हर बात भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलती है, नोटबंदी पे झूठ बोला इन्होंने, लेबर पे झूठ बोला, जो हमारे मजदूर लोग आए कहां कहां से चल करके आए। इसका मतलब आप ऐसा है ना, कुछ जानते नहीं हो, रात में लगता जल्दी सो जाते होगे। ऐसा है, समाजवादी पार्टी के हमारे राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव ने आदरणीय रामगोपाल यादव जी ने कहा, इतना स्ट्रॉन्ग किसी पार्टी ने नहीं कहा कि ये तीनों कानून हैं जब पास हो जाएंगे ये डेथ वारंट है किसान के लिए। और लोकसभा में समाजवादी पार्टी ने विरोध किया। आप इनसे पूछिए, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहिए कि आप बताओ धान का कहां आपने MSP दिलवाया, एक जगह हमें बता दो, एक जगह हमें बता दो। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी मिस्ड कॉल का इंतजाम कर लेती है कि अगर आपको सदस्य बनना है मिस्ड कॉल दीजिए। हम इन्हीं भारतीय जनता पार्टी लोगों से जानना चाहते हैं वो फोन नंबर बताओ जिस पे किसान मिस्ड कॉल दे जिसे MSP मिल जाए। समाजवादी पार्टी अकेले लड़ रही है और जो छोटे दलों के साथ गुंजाइश रखेगी उनके लिए रास्ता खुला है। उनको मैंने कहा, उनके लिए मैंने पहले ही कह चुका हूँ, वही मेरा पक्ष है कि उनके लिए भी रास्ता खुला है। नहीं, अगर कोई और जीतने लायक होगा तो विचार कर लेंगे, लेकिन अभी तो वही है बात। नहीं, उनका उनके क्षेत्र में नहीं लड़ेंगे, उन्हें सरकार में कहा कि मंत्री बनेंगे, सम्मान मिलेगा, वो अलग बात, लेकिन अगर कोई जीतने वाला राजनीतिक परिस्थितियों होगा तो विचार करेंगे। बीजेपी 12 नॉमिनेशन कर दिए उन्होंने, दो और बढ़ा कर दिए। अच्छा अच्छा 10 पे दो, तो अभी हाँ 13 नॉमिनेशन हो गए, तो अच्छा है, वो तो चुनाव अच्छा है। अब कल जो लोग जो विधायक आपसे मिले थे उनके साथ 6 विधायक और हैं, यानी 7 लोग हैं जो बाकी। तो अभी क्योंकि मैं शिविर में था कि किसने और नॉमिनेशन किया मेरी जानकारी नहीं है, अगर चुनाव होगा तो भारतीय जनता पार्टी को अपने विधायकों का सम्मान करना पड़ेगा। नहीं, उनके भी विधायक भागने को तैयार है सरकार कह रही है, क्योंकि उन्हें पता है कि कितनों की टिकट कटेगी। यूपी सरकार कह रही है हम धान खरीद में नंबर 1 है, जबकि किसान का धान नहीं खरीदा गया। भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलने में नंबर 1 है। अरे हम यहाँ बैठे, जब खींचोगे तो मैं ही आऊंगा ना पीछे, अगर मेरी फोटो खींचोगे तो क्या आएगा, हम और 22 में 22 के। पहले परशुराम मंदिर का निर्माण और उसके बाद प्रशिक्षण शिविर, क्या माना जाए इसे? देखिए, भगवान परशुराम और जितने भी हमारे भगवान विष्णु के अवतार हैं हम सबको मानते हैं। नहीं, हम पहले भी मानते थे और आगे मानते हैं। हमारे गांव में देखिए आप, बहुत पुराना मंदिर है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बताएं कि क्या कर रहे हैं ये लोग। देखिए, वैक्सीन पर
वैक्सीन को लेकर के हमने साफ कहा कि हमें एक्सपर्ट डॉक्टर्स उन पर कोई शिकायत नहीं है, और जो वॉलंटियर जो अपने आप आ रहे हैं और ट्रायल्स में जो सहयोग देने में कोई शिकायत नहीं है। शिकायत केवल इस बात की है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो बताए कि कब गरीबों को मुफ्त में फ्री वैक्सीन लग जाएगी और पूरे के पूरे प्रदेश के लोगों को किस तारीख तक वैक्सीन लग जाएगी। मान लीजिए अमेरिका है, सबसे ज़्यादा लोगों की जान गई है, वहाँ के राष्ट्रपति कह रहे हैं कि 100 दिन में हम 100 मिलियन वैक्सीन लगाएंगे। आप सोचिए बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच और गोंडा कितने लगाएंगे वैक्सीन, ये बताइए कितने दिन में लगा देंगे 100% हमारे गरीबों को, और क्या फ्री लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे। सबसे पहले आपने वैक्सीन का विरोध किया था, अब क्या आप न्यूट्रल ले रहे हैं, क्या मतलब है? नहीं, आपने पूरी बात ही नहीं जानी। अभी आपने कहा, इससे पहले आपने कहा हम बीजेपी के वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। हमने कहा, हाँ अब उसकी अगली लाइन भी सुन लीजिए, हमने कहा कि पहले भारतीय जनता पार्टी सरकार ये बताए कि हमारे गरीबों को फ्री वैक्सीन कब तक लग जाएगी और सबको कब तक लग जाएगी, वो भी समय बताएं, और आने वाले समय में एक साल बाद समाजवादी सरकार बन रही है, हम सबको फ्री लगाएंगे और हम भी लगवा लेंगे, क्या गलत कहा हमने? 2022 वैक्सीन को लेकर राजनीति है, भारतीय जनता पार्टी गरीबों को वैक्सीन फ्री नहीं लगाना चाहती। आपके वैक्सीन के सवाल पर रुधौली के विधायक हैं, अयोध्या से आए थे भ्रमण पर बलरामपुर, उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव जी को बिना कुछ किए ही राजनीति विरासत मिली है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? हाँ, वो बात ठीक कह रहे हैं, बहुत जानकार होंगे, बहुत समझदार नेता होंगे वो, हैं अपनी पार्टी से गए हैं। अच्छा वो गए, अरे छोड़ो कहाँ बात। अखिलेश जी ये बताइए कि चाचा ने आपके कहा कि ईवीएम के सहारे बीजेपी बेईमानी कराकर चुनाव जीत रही है, आपका क्या कहना? देखिए, समाजवादी पार्टी के दिए हुए लैपटॉप आज भी चल रहे हैं, ऑन करोगे तो हम वो नेता ही दिखाई दे रहे हैं, दिखाई दे रहे कि नहीं दिखाई दे रहे। तो आप सोचिए अमेरिका जैसे में सवाल उठते हैं, वहाँ भी वोट बैलेट से पड़ रहा है, अभी बनारस में वोट बैलेट से पड़ा, बीजेपी हारी कि नहीं हारी, तो अभी लोगों को भरोसा नहीं है। हमारी मैंने वर्कर से कहा कि सरकार बनाइए फिर इसको आगे ले जाइए, क्योंकि उलझिए मत, आप पहले हराइए भारतीय जनता पार्टी को अपना वोट डाल करके। ये इस बार इतना वोट पड़ेगा कि ईवीएम भी नो रिकॉर्ड करेगी, देखना आप। अब हमारे सवाल का जवाब आया, सवाल का जवाब नहीं आया है, क्या? बिल्कुल आया नहीं। बीजेपी की तरफ से जो अभद्र त्रिपुटी की जा रही है, जो अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, उस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, ये भाषा राजनीति में इस तरह की भाषा की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। कोई राजनीति में इस तरह की भाषा की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। 2022 के चुनाव को लेकर आप जनता है किन मुद्दों को? इतने मुद्दे हैं कि आपको भी जेल भेज देंगे, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। किसी को भी जेल भेज सकती भारतीय जनता पार्टी, किसी पे भी झूठ के मुकदमे लग सकती है, और मुख्यमंत्री जी ने, उप मुख्यमंत्री ने और सबने अपने मुकदमे वापस ले लिए। अच्छा, दो लोग हमारी पार्टी में, वो प्रदीप बौजी बसपा जोनल कोऑर्डिनेटर हैं, वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, खालिद खान जी हैं, वो भी समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, दोनों अन्य अन्य दल से आए, मैं उनका स्वागत और बधाई देता हूँ। बताओ बताओ, जो झूठे मुकदमे लगे होंगे वो वापस होंगे?